बढ़ते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट खबर, अहम खबर, और ये पावर कंपनियों के लिए बड़ी हो सकती है जो इंपोर्टेड कोल पर निर्भर हैं, जैसे कि टाटा पावर या अदानी पावर। खबर ये आई सोमवार को सरकार की तरफ से कि वो सारी पावर कंपनियां जो जिनकी निर्भरता इंपोर्टेड कोल पर होती है, उन्हें अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे पीक डिमांड रह सकती है गर्मियों के चलते। इस पूरी खबर को पहले एक बार विस्तार से प्रकाश से समझते हैं और उसके बाद इसका एनालिसिस भी करेंगे। हमारे साथ रुपेश सांखे भी होंगे, वीपी फ्रॉम एलआरएस कैपिटल। रुपेश, मॉर्निंग आपके पास भी आते हैं, लेकिन पहले प्रकाश से पूरी खबर समझते हैं। प्रकाश, किस क्या बड़े रीजन रहे और इस खबर पर और क्या कुछ निकल कर आया सरकार की तरफ से? देखिए, पावर डिमांड में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार आने वाली गर्मियों, ऊर्जा मंत्रालय का ये अनुमान है कि अप्रैल के महीने में यानी कि अप्रैल 2023 में जो पीक आवर पावर डिमांड है वो 229 गीगावाट के लेवल पर पहुंच सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में तेजी आ रही है, एक्टिविटीज में तेजी आ रही है और ये गतिविधियां बढ़ने से पावर डिमांड में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। लिहाजा पावर शॉर्टेज की स्थिति न हो, जितनी डिमांड हो उसको मीट की जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा मंत्रालय कई तरह के फैसले ले रहा है और उसी दिशा में अब ये एक फैसला लिया गया है कि जो इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 11 का इस्तेमाल करते हुए ये निर्देश दिया गया है कि वे अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करेंगे, यानी कि उनकी जो भी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से वो कोल इंपोर्ट करें, क्योंकि वो इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट ही है, उनको इंपोर्टेड कोल पर ही चलना है, तो उस पर्याप्त मात्रा में वो कोल इंपोर्ट करें और फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट करें। अब सवाल उठता है कि जब अतिरिक्त बिजली पैदा होगी तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? पहले इस्तेमाल तो ये होगा कि जब अतिरिक्त बिजली पैदा होगी तो जिन राज्यों के साथ उनका पीपीए है, तो जिन राज्यों के साथ उनका पीपीए है ऐसे पावर प्लांट्स का, उनको अपने पीपीए के हिसाब से वो पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई करेंगी, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जो दूसरी प्राथमिकता होगी उसके हिसाब से जब अतिरिक्त बिजली पैदा होगी, जो सरप्लस पावर होगा उसको वो पावर एक्सचेंजेज में बेच सकते हैं। ये दो विकल्प दिया गया है। अब सवाल उठता है कि पीपीए वाले जो बायर्स हैं उनको अगर पावर की सप्लाई होती है तो उसके कॉस्ट क्या होंगे? क्या वही कॉस्ट होंगे जो पीपीए के अंदर है, या वेरिएबल कॉस्ट यानी कि कोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका जो कॉस्ट है ऐसे पीपीए वाले बायर को पास ऑन किए जाएंगे? उसके लिए ऊर्जा मंत्रालय ने फैसला किया है कि एक कमेटी का गठन होगा जिसमें सीए के लोग होंगे, ऊर्जा मंत्रालय के लोग होंगे, एनटीपीसी के लोग होंगे और ये कमेटी ये डिसाइड करेगी। राइट, प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। रुपेश, आप इस खबर का मतलब समझाएं और कौन से स्टॉक्स इंपैक्ट होते हुए नजर आते हैं आपके हिसाब से? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे कि इंडिया में जो इंपोर्टेड कोल पावर प्लांट है वो अप्रोक्सीमेटली 18,000 मेगावाट के आसपास है और आज के सिचुएशन में जब भी सेक्शन 11 दिसंबर में खत्म हुआ था उसके बाद ये सारे प्लांट्स काफी लो पीएलएफ पे चल रहे हैं। अगर मैं टाटा पावर की बात करूंगा तो टाटा पावर की 4000 मेगावाट कैपेसिटी है, 5 यूनिट्स है, उसमें ओनली 1 यूनिट ऑपरेशनल है, मतलब यहाँ तक इतना तक उनका इम्पैक्ट हुआ है। तभी ये ऑर्डर के वजह से क्या होगा, जो भी पावर प्लांट है और अगर हम मानते हैं कि 230 गीगावाट तक अगर पावर डिमांड बढ़ जाता है और अभी का पीक डिमांड है 175 गीगावाट, तो अगर इसको मीट करना है तो अपने को इंपोर्टेड कोल प्लांट है जो हाई वेरिएबल कॉस्ट पे चल रहा है उनको टारगेट करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है ये सारे मेजर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर कर रहे हैं कि जो लास्ट ईयर में सेम सिचुएशन हुआ था जहाँ पे पावर क्राइसिस हुआ था तो वो अवॉइड करने के लिए ये सारे स्टेप्स ले हो रहे हैं। उसमें ये सारे प्लांट है जैसे टाटा पावर की मैंने बात की है तो उनका फिक्स कॉस्ट अंडर रिकवरी चल रहे हैं, फुल कॉस्ट कंप्लीट पास थ्रू नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है जब भी सीएससी ने रिसेंटली ऑर्डर दिया था जैन को कि ये सारे प्लांट्स को फुल कॉस्ट रिकवरी होना चाहिए, उसके ऊपर उनको रिजनेबल प्रॉफिट भी होना चाहिए और फिक्स कॉस्ट रिकवरी भी होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा रिजोल्यूशन होगा और इससे ये जो कंपनीज है जो स्ट्रगल कर रहे हैं हाई वेरिएबल कॉस्ट को लेके उनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। रुपेश, वन मोर थिंग, सबसे बड़ी बात तो ये कि पावर सप्लाई बढ़ाने की इस कोशिश में जब ये नई पावर सप्लाई बढ़ती दिखेगी इसका यूसेज कैसे होगा? और टाटा पावर की बात की आपने, इसके अलावा भी और कंपनियां जो कि पावर प्लांट्स जो इंपोर्टेड कोल का इस्तेमाल करती है जैसे अडानी पावर, इस पर भी आप अपनी राय दीजिए।
या टाटा जो 18,000 मेगावाट जो है इंपोर्टेड कोल प्लांट, उसमें से जो बड़े जो प्लांट्स है वो टाटा पावर अदानी के पास है। तो टाटा पावर के पास 4,000 मेगावाट मुंद्रा प्लांट है, अदानी के पास भी मुंद्रा प्लांट है, वो अप्रोक्सीमेटली 3,500 मेगावाट के आसपास आता है, और बाकी छोटे छोटे प्लांट है, और उसमें फिर NTPC का भी केस आ सकते हैं। ये सारे प्लांट्स को बेनिफिट होगा। अभी सिचुएशन ये है कि जो अभी अगर 230 गीगावाट का कैपेसिटी आता है तो उतना अपना रिन्यूएबल कैपेसिटी या हाइड्रो या गैस ये अपना सपोर्ट नहीं कर रहे। जो इंक्रीमेंटल पावर डिमांड हो रहा है 14-15% वाई बेसिस पे, उसके लिए कोल बेस्ड चाहिए, और कोल बेस्ड का जो एग्जिस्टिंग है लाइक NTPC हो गया, JSW एनर्जी हो गया, इनका सारे का पे लेफ्ट बढ़ने की मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है अप्रैल मई में। तो मुझे लगता है इनका जो दूसरा जो अदर इनकम आता है, इंसेंटिव से आता है या हायर PLF बेस्ड इंसेंटिव होता है, उसमें उनको डेफिनेटली गेन मिलेगा। तो मुझे लगता है ये सारे कंपनीज में उनको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 11 का, और खास करके जो टाटा पावर और अदानी पावर उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं क्योंकि उनका कैपेसिटी साइज बहुत ज्यादा है। ओके ठीक है, सो उनका कैपेसिटी साइज बड़ा है, उन्हें आप यहाँ पर बता रहे हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। शुक्रिया रुपेश ये सारी खबर पर अपना एनालिसिस देने के।